नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावेश और स्वागत है आप सभी का मेरी इस YouTube चैनल फैक्ट बिगिंस में। आज की इस वीडियो में हम उत्पन्ना एकादशी क्यों मनाई जाती है इसके बारे में जानने वाले हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो फ्रेंड्स, हियर द फैक्ट बिगिंस। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी उत्पन्ना एकादशी या उत्पत्ति एकादशी कही जाती है। श्रद्धालु उत्पन्ना एकादशी की पूर्व संध्या पर माता एकादशी और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस हिंदू तिथि पर उपवास को रखने से भक्तों के सभी अतीत और वर्तमान के पाप धुल जाते हैं। यह दिन भगवान विष्णु की शक्तियों में से एक देवी एकादशी के सम्मान में मनाया जाता है। वह भगवान विष्णु का हिस्सा थी और राक्षस मूर को मारने के लिए उनसे पैदा हुई थी। जब उसने शयन के समय भगवान विष्णु पर हमला करने और मारने की कोशिश की थी, इस दिन को माँ एकादशी की उत्पत्ति और मूर के विनाश के रूप में याद किया जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो, उत्पन्ना एकादशी क्यों मनाई जाती है इसके बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आशा करता कि आपको नई जानकारी भी जरूर मिली होगी। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से फैक्ट के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।